अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चेक बाउंस मामले में गिद्दड़बाहा अदालत ने आरती को एक साल की सजा सुनाई। गिद्दड़बाहा की सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट अदालत ने चेक बाउंस के मामले में गिद्दड़बाहा आरती को एक साल की सजा और 4,000 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए गए हैं। शहर के सीनियर एडवोकेट लवलीश गोयल ने बताया कि उनके क्लाइंट हंसराज कटारिया की ओर से कुंदन लाल बांसल एंड संस फर्म के हिस्सेदार सुरेंद्र कुमार पुत्र कुंदन लाल बांसल को साल 2016 में 2,80,000 रुपए उधार दिए थे, जिसके एवज में आरती सुरेंद्र बांसल की ओर से उनके क्लाइंट को 3 चेक जारी किए, मगर वे बैंक में लगाने पर बाउंस हो गए। इस दौरान उनके टालमटोल करने पर हंसराज ने गिद्दड़बाहा अदालत का सहारा लिया। सर एक की मामला की है जी, एक चेक का मामला दी जी। हाँ जी, मेरा क्लाइंट हंसराज कटारिया जी है, मिंदर पाजी के लड़के, उन्होंने सुरेंद्र कुमार पुत्र जो कुंदन लाल जी अपने गिद्दड़बाहा 2,70,000 रुपये उधार दिता सीगा। उन्होंने इस संबंध में 3 चेक जारी करते थे मेरे क्लाइंट नूं हंसराज जी नूं। हंसराज जी ने जो बैंक के लाए HDFC बैंक च आपके चैक तो वह डिसऑनर हो गए। 10 महीना 2016 मेरे क्लाइंट ने हंसराज ने सुरेंद्र कुमार को कई बार आख्या भी तुम्हें जी है कि पेमेंट तो डिसऑनर हो गया, तुम दे दो। तो वह टाल मटोल करते रहे। आखिरकार अभी जो है एक क्रिमिनल केस अंडर सैक्शन 138 NI एक्ट के मानयोग रविंदर कौर जी की अदालत जे अपने SDGM गिद्दड़बाहा कंप्रोमाइज की भी गल चलती रही भी शायद पैसे दे दे, क्योंकि साढ़े क्लाइंट का भी यही मतलब कि वो कोई सजा नहीं करवाना चाहता, सुरेंद्र कुमार ने भी चाहता भी मेरी रिकवरी हो जाए। तो उस संबंध में उन्हें जो है केस किया आपका, पर जो किसी भी स्टेज उत्ते कोई कंप्रोमाइज तेरे ना चढ़िया तो मेरे क्लाइंट हंसराज जी ने आपकी गवाही दी जी, जी सारे डॉक्यूमेंट जोड़े थी चैक मेमो बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट जी पेमेंट दी उस बारे जो है कोर्ट को सबूत दिते। तो मानयोग अदालत ने जो है साढ़े सबूतों को मानते हुए सुरेंद्र कुमार को जी है इस केस के 28/1/2019 एक साल की सज़ा से 4,000 रुपया जुर्माना किया। गिद्दड़बाहा से शक्ति जिंदल की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।